के बाद लोग वज़ू की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह कहना छोड़ देते हैं जबकि बिस्मिल्लाह कहना बाद ने उसको वाजिब करार दिया इंसान भूल जाता है गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं लेकिन ये गलती हमेशा नहीं होनी चाहिए मुसलमान को याद रखने चाहिए कि जो चीज़ें वाजिबात में से हैं जो चीज़ें सुनन में से हैं और जो चीज़ें नब करीम सल्लाम की अहादीत से साबित हैं उनका अहतमाम करे अल्लाह के नबीमाम के हदीस है जिसको हाफिज़ इब्ने हजर और दीगर ओलमा ने कवी करार दिया काबिल हजत करार दिया कि जो आदमी वजू न करे उसकी नमाज नहीं होती और जो आदमी उर्जू की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह ना कहे उसका उदू नहीं होता लिहाजा इस हजीज़ को मद्दनज़र रखते हुए उर्दू करते वक्त बिस्मिल्लाह कहने का मुसलमान को अहतमाम करना चाहिए इसी तरीके से जो ग़लतियाँ मुसलमानों से उर्दू के दौरान वाक़ होती हैं कि बहुत से लोग उर्दू करते हुए जहाँ सर का मसाह किया जाता है सर के मसाह के साथ अपने गर्दन का मसाह भी करते हैं जबकि गर्दन का मसा नबी करीम अलैहि वसल्लम की सही अहादी से साबित नहीं है शेखुल इस्लाम इब्न इबिमिया रहीम ने इस पर इनकार किया है शेख पिनबाद रहीम ने इस पर इनकार किया है शेख सौल हुसैमिन रहीम ने इस पर इनकार किया है और जो लोग गर्दन का मसाह करते हैं बसा अवकात वो इस्तेदलाल करते हैं पैर रसूल अलैहि वसल्लम की हदीस से कि आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने सर का मसाह किया पेशानी जहां सर का आगाज़ होता है वहां से आपने मसह करने का आगाज़ किया और आप सल्लल्लाहु सल्ला व्म सर के आखिरी हिस्से तक उसको ले गए यहाँ तक के आप सल्लल्लाहु सल्लाम ने गर्दन तक गर्दन तक सर का मसा किया तो इस हदीस से बाद लोग इस्तलाल करते हैं और कहते हैं कि इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि गर्दन का मसा सर के मस के साथ होना चाहिए मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों इस हदीत में उनके लिए कोई दलील नहीं इसलिए कि अल्लाह के नबी नबीलाम ने सर का मसा किया है गर्दन के मसे का जो जिक्र किया जाता है इस्तेदलाल किया जाता है वो सही नहीं है क्यों इसलिए कि इस हदीस में इस बात का तकरा नहीं है कि आपने गर्दन का मसा किया है इस बात में इसका तकरा मिलता है कि आपने सर का मसा किया सर के मसा की आखिरी हद क्या है गर्दन का जहाँ आगाज होता है और जहाँ सर का अख्तितमाम होता है वहाँ तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सर का मसा किया तो लिहाजा गर्दन के मसा करने की कोई दलील हमें नहीं मिलती तो गर्दन का जो लोग मसा करते हैं उनको सोचना चाहिए उनको समझना चाहिए और नबी करीम सल सल्ला की सुनत की इतबा करनी चाहिए अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह तम तमाम मुसलमानों को नबी करीम सलाह उम्म की सुन्नत के मुताबिक सारे आमाल को अंजाम देने की तोफ़ीकदा फरमाए और अल्लाह ताला हमारे इबादतों को सही और मुकम्मल तौर पर अंजाम देने की तोफ़ी अदा फरमाए आमीन व आखिर अनिलहमदिल्ल रबीन असलमकुम वरम वर्का